एक्सरसाइज 7.21 इंटीग्रल्स डिस्कस कर रहे हैं. फर्स्ट क्वेश्चन इज इंटीग्रल ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स. तो इसमें हम सब्स्टिट्यूशन भी सॉल्व करेंगे एंड लॉजिक हम अपना लगाएंगे कुछ. सो लेट हमें यहाँ पे दिख रहा है कि एक्स स्क्वायर तो 2x जनरेट कर देगा, x जनरेट कर देगा, तो इसको हम t पुट कर देंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर को, बिकॉज इसका डिफरेंशियल हमें क्वेश्चन में दिखाई दे रहा है न्यूमरेटर में. सो 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी, तो ये इम्प्लाई कर रहा है 2x dx इज इक्वल टू dt. नाउ अपने क्वेश्चन में वेरिएबल को चेंज कर दिया, 2x dx की जगह वी कैन राइट dt अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज t. सो इंटीग्रल ऑफ 1 बाई टी तो log t होता है, तो ये हमारे पास आंसर आ गया log t प्लस सी. बट इन द क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, t तो है नहीं, विल रिप्लेस इट बाय x. तो t हमने किसे माना था, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को. तो आंसर इज log 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी, ये आंसर आ गया. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. इंटीग्रल ऑफ log x का होल स्क्वायर अपॉन x dx. अगेन log x का डिफरेंशियल हमें इस क्वेश्चन में दिख रहा है, तो हम लेट कर देंगे log x इज इक्वल टू t, तो ये इम्प्लाई कर रहा है 1 बाई एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी. क्वेश्चन का फॉर्म चेंज करेंगे, dt में लेके आ जाएंगे इसको, तो 1 बाई एक्स डी एक्स की जगह हमने dt पुट कर दिया, और log x को हमने t माना था, तो t स्क्वायर आ गया, तो इसका इंटीग्रल हो गया t क्यूब बाई 3 प्लस सी. बट हमें क्वेश्चन में t तो है नहीं, तो रिप्लेस करना पड़ेगा log x से, तो log x का होल क्यूब अपॉन 3 प्लस सी. दिस इज द आंसर. लेट अस सी थर्ड क्वेश्चन. थर्ड क्वेश्चन में पहले तो नीचे से इसे क्लब करते हैं टर्म्स को, x हमें बाहर दिख जाएगा. सो इट इज इक्वल टू 1 बाय एक्स 1 प्लस log x इंटीग्रल dx. अब हम पुट कर सकते हैं, पुट 1 प्लस log x इज इक्वल टू t, तो ये आ गया 1 बाय एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी. तो हमारे पास ये टर्म 1 बाय एक्स डी एक्स की जगह हमने dt से रिप्लेस कर दिया, और नीचे 1 प्लस log x लिखा हुआ है जिसे हमने t माना हुआ है, तो 1 बाय टी डी टी. तो ये रिजल्ट आ गया हमारे पास log t प्लस सी, और अब इसे t को चेंज कर देते हैं आंसर के लिए. सो इट विल बी log t की जगह 1 प्लस log x प्लस सी. दिस इज द आंसर. क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं. ये sin x इंटू साइन ऑफ cos x, तो cos x को हम t मान लेते हैं. लेट cos x इज इक्वल टू t, तो ये इंप्लाई कर रहा है माइनस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी. हमारे क्वेश्चन में माइनस साइन एक्स नहीं है, तो हमने माइनस बाहर कॉमन ले लिया और माइनस अंदर ये जनरेट करा दिया. तो फिर अपनी इक्वेशन को लिख लिया साइन ऑफ कॉस एक्स डी एक्स. अब इसको हमने टी में चेंज कर दिया, तो माइनस का साइन तो बाहर आ गया. ये जो आपके पास माइनस साइन एक्स आया और डी एक्स आया, इसकी जगह हम क्या रख सकते हैं डी टी. और जो टर्म बच गया साइन ऑफ कॉस एक्स तो हमने टी को माना था, तो साइन टी. नाउ इंटीग्रल ऑफ साइन, वो तो हमें पता है कि माइनस कॉस होता है, तो माइनस का साइन बाहर आ गया और ये अंदर आ गया माइनस कॉस टी प्लस सी. दैट इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो गया, और कॉस टी किसे माना है, कॉस एक्स को माना है, तो कॉस एक्स प्लस सी ये हमारा रिजल्ट. क्वेश्चन नंबर 5, साइन एक्स कॉस एक्स. तो इसे तो अगर हम 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें तो हमें एक फॉर्मूला दिख जाएगा. तो ये इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स डी एक्स है, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और डिवाइड कर दिया, तो ये आ गया हमारे पास एक नया फॉर्म इंटीग्रल ऑफ 2 साइन एक्स कॉस एक्स. तो 2 साइन एक्स कॉस एक्स को हम लिख सकते हैं साइन 2x, दैट मीन्स साइन ऑफ 2 ऑफ ए एक्स प्लस बी डी एक्स. अब ये आ गया हाफ इंटू साइन एक्स का, तो इंटीग्रल माइनस कॉस एक्स होता है,
राइट, तो माइनस कॉस ट्वाइस ए एक्स प्लस बी, और ये टर्म तो लीनियर हो गया, तो लीनियर में एक्स का जो कोफिशियंट होगा वो नीचे आ जाएगा, दैट इज टू ए, करेक्ट। सो दैट मीन्स अपॉन, इसे लिख लेते हैं टू ए प्लस सी, तो ये रिजल्ट आ गया हमारे पास माइनस वन अपॉन फोर ए कॉस ट्वाइस ए एक्स प्लस बी प्लस सी, दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर सिक्स, इंटीग्रल ऑफ ए एक्स प्लस बी डी एक्स, अगेन ए एक्स प्लस बी को हम टी स्क्वायर ले सकते हैं, सो ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू टी स्क्वायर, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, अगर हम डिफ्रेंशिएट करते हैं ए डी एक्स इज इक्वल टू टू टी डी टी, तो हमारे पास ए तो ऊपर है नहीं, तो वन बाय ए से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, तो ये हमारे पास हमारा क्वेश्चन कन्वर्ट हो गया डी एक्स। अब ए डी एक्स इज इक्वल टू टू टी डी टी, ए डी एक्स की जगह हम क्या लिख देंगे टू टी डी टी, सो लेट अस राइट ओवर हेयर टू टी डी टी इंटू ए एक्स प्लस बी का रूट, टी स्क्वायर का रूट, दैट इज इक्वल टू टी, तो हमारे पास ये क्वेश्चन बन गया वन बाय ए इंटू टू इंटू इंटीग्रल ऑफ टी स्क्वायर डी टी, दैट इज इक्वल टू टू बाय ए टी क्यूब बाय थ्री प्लस सी, राइट। तो इसको अब चेंज कर लिया अपने एक्स में, तो ये रिजल्ट आ गया टू बाय थ्री ए टी का होल क्यूब, तो टी का वैल्यू क्या है ए एक्स प्लस बी की पावर हाफ, अगर हम इधर देखें तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टी, ए एक्स प्लस बी टू द पावर हाफ, सो ए एक्स प्लस बी टू द पावर हाफ उसकी पावर थ्री, तो दैट इज थ्री बाय टू प्लस सी, इट इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर सेवेंथ, इंटीग्रल ऑफ एक्स एक्स प्लस टू रूट में है, तो बस ठीक है एक्स प्लस टू को तो हमने टी स्क्वायर मान लिया, तो यहाँ से हमारे पास अगर हम इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं तो हमारे पास आ गया डी एक्स इज इक्वल टू टू टी डी टी, तो डी एक्स की जगह हमें लिख दिया टू टी डी टी, और जो अंडर रूट एक्स प्लस टू है तो वैल्यू आ जाएगा टी इंटू एक्स, तो एक्स को मिल सकते हैं टी स्क्वायर माइनस टू, राइट। अब इसमें चीज़ों को हमने टू को बाहर ले आ सकते हैं इंटीग्रल के साइन के, और हमारे पास क्या बच गया टी स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर माइनस टू डी टी, सो इट बिकम्स ट्वाइस इंटीग्रल ऑफ टी फोर डी टी माइनस फोर टाइम्स इंटीग्रल ऑफ टी स्क्वायर डी टी, सेपरेट कर लिया, इसका इंटीग्रल निकाल लिया, तो ये आ गया ट्वाइस इंटू टी फाइव बाय फाइव माइनस फोर इंटू टी क्यूब बाय थ्री प्लस सी, टी को चेंज कर लिया इन एक्स, सो टी इज इक्वल टू एक्स प्लस टू टू द पावर हाफ, तो रिजल्ट आ गया टू बाय फाइव इंटू एक्स प्लस टू टू द पावर फाइव बाय टू माइनस फोर बाय थ्री इंटू टी क्यूब, दैट इज इक्वल टू एक्स प्लस टू टू द पावर थ्री बाय टू प्लस सी, दिस इज द आंसर।